साल के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस प्रदेश सरकार को महंगाई भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने में जुट गई और शनिवार को रिमझिम बारिश के बीच कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने टीआई कॉम्प्लेक्स परिसर में धरना प्रदर्शन कर दिया। बिजली के बड़े बिल, बिजली कटौती, भ्रष्टाचार घोटाले और बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों पर भारी वृद्धि, बेरोजगारी, महिला अवोध बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार, महाकाल लोक, सतपुड़ा भवन अग्निकांड, विद्यार्थी छात्रवृत्ति मुआवजा, आदि पुरुष फिल्म सहित अन्य मुद्दों पर विधायक रवि जोशी सहित पदाधिकारियों ने जमकर निशाना साधते हुए कह दिया है कि प्रदेश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है और बदलाव का समय आ गया है। करीबन 2 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के दौरान बारिश की गति बढ़ने पर विधायक जोशी सहित जिला अध्यक्ष को बोलने का ज्यादा समय नहीं मिल सका। भीगते हुए कार्यकर्ताओं को देख धरना समाप्त कर दिया गया। उसे किसानों को पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को हम दूर करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, एक एक किसान को खेत में नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए और घरों में पीने के लिए हम भेजेंगे। लेकिन नहीं आया। 3 दिन छोड़कर पानी का वितरण होता है और 1 महीने का बिल आ जाता है, इससे लेकर मेरा कहना है कांग्रेस की सरकार थी जब हम पिपरी डैम से नर्मदा जी का